एक मई से देश में 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन लगाई जानी है। इस बार वैक्सीन कंपनियों से केंद्र सरकार केवल 50% वैक्सीन ही लेगी, जबकि बाकी 50% वैक्सीन राज्य सरकार और प्राइवेट कंपनियां ले सकती हैं। सरकार का लक्ष्य है देश में ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगे, ताकि महामारी के फैलाव पर जल्दी काबू पा सके। इसके साथ ही कुछ ही समय में वैक्सीन खुले बाजारों में भी मिलने लगेगी। हालांकि वैक्सीन की कीमत प्राइवेट बाजारों में क्या होगी, इस पर अभी भी असमंजस बना हुआ है। साथ ही प्राइवेट बाजार की कीमतों पर सरकार का नियंत्रण कितना होगा, इसका खुलासा होना बाकी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अगर सरकार खुले बाजारों में वैक्सीन उपलब्ध कराने का निर्देश दे देती है तो वैक्सीन की कीमत 400 रुपए से लेकर 1200 रुपए प्रति खुराक हो सकती है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने स्टेटमेंट जारी कर अपनी वैक्सीन की कीमतों के बारे में खुलासा कर दिया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुताबिक राज्यों को वैक्सीन 400 रुपए प्रति डोज यानी कि 800 रुपए की दोनों डोजेज और प्राइवेट अस्पतालों को 600 रुपए प्रति डोज यानी कि 1200 रुपए की दो डोज दी जाएगी। साथ ही उसने बयान में कहा है कि बाजारों में बाकी वैक्सीन उससे कहीं ज्यादा महंगी है। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी की कीमत 750 रुपए प्रति डोज से कम रहने की उम्मीद है। भारत में इसका उत्पादन फार्मा क्षेत्र की कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज कर रही है। 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन लगाए जाने की शुरुआत सरकार कर रही है, जिसके बाद माना जा रहा है कि खुले बाजारों में भी ये वैक्सीन उपलब्ध हो सकती है। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट की माने तो ज्यादातर कंपनियों को उम्मीद है कि जब वैक्सीन को प्राइवेट बाजार में बेचने की अनुमति मिलेगी तब इसकी कीमत 700 से 1000 रुपए प्रति डोज के बीच होगी। हालांकि फिलहाल सरकार ने प्रति डोज की कीमत 250 रुपए निर्धारित की है, यानी इस कीमत से ज्यादा वैक्सीन की कीमत नहीं हो सकती, लेकिन 1 मई से वैक्सीन की कीमत को लेकर सरकार नियम बदल सकती है। अभी तक कई कंपनियों ने खुले बाजार में वैक्सीन कीमत को लेकर बड़ी घोषणा नहीं की है। कहा जा रहा है कि इस बात पर निर्भर करेगा कि वो निजी कंपनियों में कितनी वैक्सीन बेच सकते हैं। इसके अलावा निर्यात को लेकर विचार और सप्लाई चेन के मुद्दे भी वैक्सीन की कीमत तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। इसके अलावा कंपनियां राज्यों को वैक्सीन कीमत के संबंध में मिलने वाले आदेश को लेकर केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रही हैं। देश में वैक्सीन लगाने का कार्यक्रम जारी है। राष्ट्रीय टीकाकरण मिशन के तहत देश में वैक्सीन डोज लगाए जाने का आंकड़ा 13 करोड़ को पार कर चुका है। आपको बता दें कि 16 जनवरी से देश में राष्ट्रीय टीकाकरण मिशन के तहत कोरोना वैक्सीनेशन का अभियान शुरू हो चुका है और फिलहाल 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। आपको बता दें कि भारत में इस वक्त 2 वैक्सीन को राष्ट्रीय टीकाकरण मिशन में शामिल किया गया है और इन वैक्सीन का नाम है कोविशील्ड और कोवैक्सीन। कोविशील्ड जिसे बनाया है ब्रिटिश स्वीडिश कंपनी एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों ने, तो वहीं दूसरी ओर कोवैक्सीन को बनाया है भारत बायोटेक और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने। साथ ही भारत की नियामक संस्थाओं ने रूस की स्पुतनिक वी को भी मंजूरी दे दी है, जिसके बाद कुछ ही दिनों में स्पुतनिक वी भी भारत में बनने भी लगेगी और लोगों तक पहुंचनी शुरू भी हो जाएगी। 400 से 1200 रुपए प्रति डोज के हिसाब से बताई जा रही है। आपको बता दें कि रूस की इस वैक्सीन का निर्माण रेड्डी लेबोरेटरीज करेगा। रेड्डी लेबोरेटरीज का कहना है कि रूस के साथ 12.5 करोड़ डोज का करार हुआ है। रूस ने भारत में 6 कंपनियों के साथ वैक्सीन के प्रोडक्शन का करार किया है।